हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह केयर स्किल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो इसमें वोल्टेज रेगुलेटर जो आईसी लगी होती है वो किस तरीके से काम करती है और उस पर कितने वोल्टेज आते हैं और कैसे वो आउट करती है उसको। तो आइए समझते हैं पीसीबी के अंदर। आप इसे पीसीबी को देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक आईसी लगी हुई है और इसका नंबर जो है 7136 है। और ये काम क्या करती है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करती है। और ये किस तरीके से काम करती है कि इसकी जो एक पिन है तो इसकी वजह जो लैग है, पहली पिन जो लैग है इसकी, इस पर 5 वोल्ट यानी VCC वोल्टेज आते हैं और वो हमारा SMPS देता है। तो जब इस पर 5 वोल्ट सप्लाई आ जाती है और बीच वाली पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है तो इसकी जो तीसरी पिन है इससे आउट वोल्टेज निकलती है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यदि हमारी पावर सप्लाई में वोल्टेज किसी वजह से कम हो जाते हैं तो यदि वो कम वोल्टेज इस माइक्रो प्रोसीजर को जाएंगे तो उस केस में ये माइक्रो प्रोसीजर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इसमें लगाई गई है और इसमें ये काम करती है कि यदि 5 वोल्ट से बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज होने लगते हैं, जैसे मान के चलिए 3 वोल्ट हो जाते हैं, 2 वोल्ट हो जाते हैं, 2.5 वोल्ट हो जाता है, तो उस केस में ये जो आउट वोल्टेज हैं ये 0 हो जाएंगे। तो इससे आउट वोल्टेज पे 0 वोल्टेज निकलेगा तो 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं निकलेगी। तो यदि हमारे 5-4 के बीच में वोल्टेज रहेंगे तब तक तो ये वोल्टेज निकालती रहेगी, लेकिन इससे नीचे यदि वोल्टेज चले गए तो हमारा माइक्रो प्रोसीजर ख़राब हो सकता है। तो उस केस में ये हमारी आईसी को ऑफ कर देगी जिससे कि हमारी आईसी को का बचाव हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज, इसको वोल्टेज डिटेक्टर आईसी भी बोला जाता है लेकिन इसका मेन नाम है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो ये काम यही करती है कि जब तक इसको इसकी इनपुट पिन पर वोल्टेज 5 वोल्ट के आसपास रहेंगे तब तो ये आउटपुट निकालती रहेगी, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज कम हो जाएंगे तो उस केस में ये वोल्टेज 0 कर देगी और जिसके कारण हमारा ये माइक्रो प्रोसीजर ऑफ हो जाएगा और सारे फंक्शन हमारे काम करने बंद कर देंगे। तो ये इस आईसी का काम है। यदि इस आईसी ख़राब हो जाती है तो आप उसमें आप चेक कर सकते हो कि इसकी आउट पिन पे जो है आपको वोल्टेज मिलने चाहिए। यदि आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको फिर ये जो आईसी है इसको बदल देना है। तो यहाँ से देखोगे इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। तो इसका नंबर है 7136। तो आप इसकी जगह इसी सीरीज की 2-3 आती हैं आपकी 7136 7137, तो आप इन दोनों में कोई सी भी लगा सकते हो। और ये हमारे इसमें सभी में नहीं मिलती है लेकिन कुछ पीसीबी में आपको देखने को मिलेगी और जिसमें लगी हुई है तो उसमें हमारी सेफ्टी का काम करती है। तो इसमें हमने आज ये समझा कि ये आईसी क्या काम करती है और किस लिए लगाई जाती है। और अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कोई लेके आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें आती हैं, किस किस तरीके से काम होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दें। यदि नए बच्चे यदि कोई एडमिशन का मन बना रहा है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। हमारे यहाँ डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो हमारे यहाँ पर क्लास ले सकता है। और हमारे यहाँ पर मोबाइल का कोर्स, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल का कोर्स, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्सेज और RACW मैकेनिकल कोर्स, ई व्हीकल का कोर्स और PCB का कोर्स, तो ये सभी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो यदि आप कहीं मन बना रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य आएँ। धन्यवाद।